देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बात तो अभी शुरू हुई है, तुम्हारा फोन छीन लिया, ऐसा कौन करता है? के बिहारी जी, ये तो वही आदमी है जिसने जिसने हमें अगवा किया था। ये यहाँ हो ना हो, ये पापी फिर कुछ गलत करने आया है। ऐसा लगता है जैसे इस राधा को मुझ पे शक हो गया है। हमें जल्द से जल्द केत की जीजी को बताना चाहिए। ये कोई होशियारी करे उससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। ये राधा फोन क्यों नहीं उठा रही है? बस हिटन में चल रहा हम दोनों के बीच। मोहन, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। केतकी जी। हाँ मैडम जी, कुछ कह रहे थे आप? अगर इसे ये समझ आ गया कि हम इसे पहचान चुके हैं तो ये बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। हम भैया जी, हम बस इतना कह रहे थे कि आप सही तो कह रहे हैं। हम अगर इसे बस में बच्चों के सामने फोन पर बात करेंगे तो बच्चे तो हमसे गलती सीखेंगे ना। वो भी तो यही बड़े होकर गलती करेंगे। इसके लिए हमें माफ कर दीजिए भैया जी। राधा, तुम इसे सॉरी क्यों बोल रही हो? गलती की है केतकी जी, तो माफी मांगने में शर्म कैसी? ये जबरदस्ती का अच्छा बनना किसी दिन तुम्हें ले डूबेगा। हाँ। ओवर अच्छा बनने वाले लोग जल्दी ओवर हो जाते हैं। ये छिपकली तो राधा से ज्यादा उछल रही है। लगता है इसका गेम सबसे पहले करना होगा। और ऐसा कौन सा रूल है कि बस में पैसेंजर फोन पर बात नहीं कर सकता? अगर ड्राइवर फोन पर बात कर रहा हो ना चलाते चलाते, तब वो गलत होता है। रहने दीजिए ना केतकी जी। तुम चुप रहो एक मिनट। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कब से देखे जा रही हो तुम्हें? कब से बोल रही हो ये मत करो वो मत करो? बस स्कूल की है तुम्हारी। केतकी जीजी, आप नहीं जानती कि ये आदमी कितना खतरनाक है। शांत हो जाइए ना केतकी जीजी, शांत हो जाइए, रहने दीजिए। नहीं राधा, बात तो अभी शुरू हुई है। मैं कब से इसे देख रही हूँ, कब से हुकुम चलाया जा रहा है। ये तुम्हारा फोन भी छीन लिया, ऐसा कौन करता है? ये बोलने वाला कि हम क्या करें हम क्या ना करें? बैठ जाइए जीजी, बैठ जाइए। केतकी को फोन करके देखता हूँ ना। मैं भी तो यही कह रही हूँ मोहन, केतकी का फोन ट्राई करो, जल्दी करो प्लीज। केतकी पिक अप द फोन यार, केतकी भी फोन नहीं उठा रही है।
मोहन, कुछ तो गड़बड़ है। अरे अजीत। हाँ मोहन भैया। ये केतकी फोन क्यों नहीं उठा रही है? आज केतकी की सबको इतनी याद क्यों आ रही है? सिर्फ हमें ही नहीं आ रही है, बाकी सबको याद आ रही है। राहुल ने तो खैर केतकी से झगड़ा किया हुआ है, पर मोहन भैया आपको केतकी से क्या काम पड़ गया? वो सब छोड़िए ना, बात हुई क्या आपकी केतकी से? नहीं। नहीं मतलब? हाँ मतलब ढंग से बात नहीं हुई। वो शायद ना बच्चों के साथ अंताक्षरी खेल रही थी और थोड़ी टेंशन में भी थी। टेंशन किस बात की? शायद राधा की टीम से ना वो हार रही थी। मतलब गेम की टेंशन, मतलब सब ठीक है ना वहाँ? हाँ सब कुछ ठीक है मोहन भैया, पर आप जल्दी बाहर आइए, तुलसी भाभी की माताजी आपको बुला रही हैं। सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है मोहन? देखो राधा तुम्हारा फोन कभी इग्नोर नहीं करती है, और स्पेशली तब जब गुनगुन उसके साथ है। देखो दामिनी को देखो, उसके चेहरे पर कितनी शांति है, कैसे चुप है वो। उसके चेहरे पर तभी शांति होती है जब इस घर में कोई तूफान आने वाला होता है। तो मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो मोहन? मुझे अजीब सा डर लग रहा है। कुछ करो मोहन प्लीज। ऐसा लगा जैसे तुमने पुकारा मुझे। हाँ मोहन। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ गलत होने वाला है। ये राधा कभी मेरे कॉल को इग्नोर नहीं करेगी, खास करके तब जब वो गुनगुन के साथ हो। मैं भी वही कह रही हूँ, राधा कभी तुम्हारा फोन इग्नोर नहीं कर सकती। गुनगुन उसके साथ है मोहन। कुछ तो गड़बड़ है ना। कब से बोल रहा हूँ कि चुपचाप सीट पे बैठ जाओ, लेकिन तुम बड़े लोगों को किसी की बात सुनने की आदत ही नहीं है। गई ना चोट केतकी जी, आपको तो बहुत लग रही है। ये इसकी वजह से, ज्ञान देने से अच्छा ना अपनी बस ठीक करवाओ। आप इधर बैठिए, हम आपके लिए ना पट्टी लेकर आते हैं। रुकिए इधर। कहीं ये बॉम्ब देख ना ले। इसे तो छोड़ूंगी नहीं, मैं स्कूल में जाकर कंप्लेन करूंगी। मुझे लगे ठीक है, किसी बच्चे को लग जाती तो इरिस्पॉन्सिबल कहीं का। रहने दीजिए ना जीजी। बहुत लग गई है आपको? अरे इतना क्यों डर रही हो? गोली नहीं लगी है मुझे, छोटी सी खरोच है। फिर भी जीजी खून निकल रहा है। हमारा फोन दीजिए। दीजिए। ये लो।
बोलो सब ठीक है? हेलो हेलो मोहन जी। हेलो राधा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सब ठीक है ना? हाँ हाँ मोहन जी, सब ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात सब ठीक था। पक्का ना सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो हमने अपनी रामायण घर में ही भूल आए हैं। रामायण? हाँ मोहन जी, वो क्या है ना, रास्ता बहुत लंबा है, तो हमने सोचा हम गुनगुन को सीता हरण की कहानी सुनाते हुए चलेंगे। ये तुम क्या बोली जा रही हो राधा? पर अब कोई बात नहीं, अब सुना ही नहीं सकते, कुछ नहीं होगा। पर वैसे मोहन जी, राधा और मोहन साथ हैं तभी तो हिट है। गुनगुन के गाने वाले प्रतियोगिता में ना अगर हम दोनों साथ होंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा मोहन जी, हम ना जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ना नेटवर्क नहीं होगा। ठीक है मोहन जी, हम रखते हैं। राधे राधे। नहीं नहीं राधा, हेलो मेरी। यार ये राधा भी है ना? मोहन क्या बोल रही थी राधा? हाँ सब ठीक है ना, गुनगुन सही है ना, गुनगुन को कुछ हुआ तो नहीं है? अरे मोहन बेटा, अब बाहर भी आ जाओ, हमारे खास मेहमान आ गए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मैडम जी, आपके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो मैं एक काम करता हूँ, ड्राइवर के पास ले जाके चार्ज में लगा देता हूँ, फिर बात करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो हम इसे कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कहेंगे तो कहीं बच्चों की जान खतरे में ना आ जाए। अभी रुकते हैं, सही समय आने का इंतजार करते हैं। लो मोहन बेटा, आ गए हमारे खास मेहमान। ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो यही पता है कि राधा और मोहन की शादी होने वाली है। गुनगुन, तुम्हारे मम्मा पापा एकदम परफेक्ट है। तुम्हारे पापा तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं और तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो आज ब्राह्मण भोज की रस्म है जी। वैसे गुनगुन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो स्कूल गई है ना? और गुनगुन की होने वाली मम्मी? ब्राह्मण भोज की रस्म तो वही करवाएंगे ना? नहीं, वो मैं अकेले ही कर लूंगा ना। अरे ऐसे कैसे? ब्राह्मण भोज की रस्म तो दुल्हन के हाथों से बने भोज से ही होगी ना? बुलाइए दुल्हन को। अरे बुलाना क्या है, वो तो यहीं खड़ी है, गुनगुन की होने वाली माँ दामिनी। आ जाओ बेटा। ये क्या मजाक है, ये थोड़ी है दुल्हन, ये तो इनकी कोई दूर की रिश्तेदार है ना? अबूबा, गुनगुन की होने वाली माँ तो राधा है। बुलाइए राधा को।
कितने भोले से चेहरे हैं सबके, कितनी प्यारी सी हंसी। इन सबको सच कैसे बताएं? एक पल में सबकी हंसी मुरझा जाएगी, सब घबरा जाएंगे। इन्हें तो हम कुछ बता भी नहीं सकते। हे बाकी प्यारी जी, अब तो बस आप ही का सहारा है। जो इशारे हमने मोहन जी को समझाने के लिए दिए हैं, वो उन्हें समझ जाए और वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ आ जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? जब हल्दी राधा के साथ हुई है तो ये कैसे दुल्हन हो सकती है? ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं बताती हूँ। तुम्हें क्या लगा मोहन, मुझे तुम्हारे खेल का पता नहीं चलेगा? और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ जल्दी क्यों आई थी? मैं ये जानना चाहती थी कि आप सब लोग मुझे सच बताते हैं या नहीं। सच मतलब ये था दामिनी का प्लान, उसी ने इन सबको यहाँ पर आने के लिए कहा है। इन सबको तो मैंने तुम्हारे लिए बुलाया है तुलसी, तुम्हें गुमराह करने के लिए। तुम्हें लगेगा कि ये मेरा प्लान था, जबकि मेरा प्लान तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। प्लान को किसी भी हालत में पूरा करके निकलना होगा। जल्द से जल्द बॉम्ब को फिट करके यहां से निकलो, फिर न बचेगी गुनगुन और न बचेगी केटकी और न ही बचेगी ये राधा। धार्मिक किताबें छापते हैं ना आप, पर काम सारे अधर्मी करते हैं। और यही बातें आप सब गुनगुन को भी सिखा रहे हैं, वरना छोटी सी बच्ची झूठ नहीं बोलेगी। नहीं माँ, वो चुप हो जा मोहन। तुमने मेरी बेटी को जला के मार दिया। माँ ये गलत फहमी है, मोहन गुनहगार नहीं है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे माँ बोलो। एक छोटी सी बच्ची की माँ को मारा है तुमने, और इस दामिनी से शादी कर रहे हो जिसे गुनगुन पसंद नहीं करती। सौतेली माँ के साथ रहने से अच्छा है कि वो अपनी सगी नानी के साथ रहे। बस माँ, गुनगुन है तो ये घर है माँ, वो नहीं ना तो कुछ भी नहीं है। हाथ जोड़ता हूँ आपसे मां, प्लीज मेरी गुनगुन को मुझसे मत छीनेगा, प्लीज। उसे तो हम हमारे साथ ही लेके जाएंगे। मेरी बेटी को ना, मेरी बेटी को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, और उसे अपने साथ रखने के लिए मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? और उसके बाप ने आज तक जितने पाप किए हैं, उन सब का प्रायश्चित उसकी बेटी को ही करना पड़ेगा। जीजा जी, आपकी दुश्मनी अब आपकी बेटी से निकालेंगे। मोहन, मोहन, मेरी बेटी से पाप करेगा तू? मोहन, आज तक कोई पाप नहीं किए मैंने, लेकिन आप करूंगा। रुको मोहन, मोहन, रुक जाओ। मोहन, रुक जाओ। क्या कर रहे हो मोहन? मेरी बेटी को छीनेगा मुझे। मेरी बेटी को छीनेगा। क्या कर रहे हो? छोड़ पागल हो गए क्या? छोड़ इसे। जान से मार दूंगा तुझे। रुके क्यों तुम? मारो और मारो ना। देखा ना आपने इस आदमी का असली चेहरा?
ऐसे आदमी को बच्ची को रखने का अधिकार है? ऐसे झूठे लोगों के साथ बच्ची को क्या परवरिश मिलेगी? क्या बनेगी वो बड़े होके? तुम्हारी सारी हरकतें इस फोन में रिकॉर्ड कर दिए मैंने, और तुम्हें तो अब मैं कोर्ट में ही देखूंगी। माँ, मिस्टर शेखर, आपके क्लाइंट ने बहुत बड़ी गलती की है। इतना बड़ा झूठ, कानून की नजरों में धूल झोंकना चाहते थे। मुझे लगा था ये कि प्यारी फैमिली है गुनगुन के लिए, इससे कोई अच्छा घर हो ही नहीं सकता। मैम, पर मैं गलत थी। लेकिन आज जो हुआ उसके बाद मैं कोर्ट में अपनी एक नई रिपोर्ट सबमिट करूंगी। उसके बाद अपनी बेटी के साथ रहना तो दूर, उसकी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाओगे। मिलते हैं कोर्ट में। सुनिए ना मैडम, सुनिए तो। मैम, हे प्रभु, ये क्या हो गया? तुम गुनगुन के घर के दूर जाने से परेशान हो रहे हो मोहन, पर गुनगुन तो दुनिया से ही जाने वाली है। मोहन,